प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, आज मैं आपके रिमझिम भाग दो से पार्ट 10 कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है मीठी सारंगी। मीठी यानी मीठा, जिसका स्वाद मीठा होता है। और यहाँ सारंगी क्या है? सारंगी एक वस्तु है जिसे बजाने से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चलिए, आज हम लोग इसी सारंगी के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 56 निकाल लीजिए, पेज नंबर 56, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव था जहां पर एक सारंगी वाला आया, ठीक है? जो सारंगी बजाता है उसे क्या कहते हैं? सारंगी वाला। तो वो एक सारंगी लेकर आया। तो आप बच्चों देख सकते हैं, इसी पृष्ठ में चित्र दी गई है, जिस चित्र में एक बूढ़ा व्यक्ति सारंगी लिया हुआ है और वो सारंगी को बजा रहा है। तो यह जो वस्तु आप देख रहे हैं इस बूढ़े के हाथ में, यह वस्तु ही सारंगी है, ठीक है? तो वह एक गांव में आया सारंगी लेकर। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो वो सारंगी कैसी बजाता था? बहुत ही अच्छी। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक बार क्या हुआ, वो एक गांव में पहुंचा और गांव में एक रात उसने सारंगी बजाना शुरू किया। तो क्या हुआ, गांव के सारे लोग यानी बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए यानी जमा हो गए, ठीक है? बहुत सारे लोग जमा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब वो इतनी अच्छी सारंगी बजाता था वह व्यक्ति कि गांव के सारे लोग दंग रह गए, ठीक है? उसकी मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, मतलब जो बजाने का तरीका था, कला यानी तरीका, मतलब जिस प्रकार से सारंगी वाला सारंगी बजाता था उसकी मीठी आवाज़ से लोग दंग रह गए, है ना? आश्चर्य हो गए। दंग रह गए का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी। फिर सारे लोग, गांव के लोग क्या कहने लगे कि वाह, कितनी अच्छी, कितनी मीठी सारंगी की आवाज़ है, ठीक है? अब आइए पृष्ठ संख्या 57। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बातें सुन रहा था। आहा, कितना आनंद आ रहा है। यह गांव के लोग बोल रहे हैं कि सारंगी की आवाज़ को सुनकर गांव के लोग बोल रहे हैं कि आहा, कितनी आनंद, कितना मीठा आवाज़ है इस सारंगी का, जिससे उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है, सुनने में। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बातें सुन रहा था। और वहीं पर पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था? भोला, ठीक है? वह लोगों की बातें सुन रहा था, यानी गांव के जो जो लोग वहां पर थे, जो जो सारंगी की तारीफ कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहा था भोला। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ठीक है? तो वो तो अब सोच रहा है कि सारे लोगों को सारंगी मीठी लगी, लेकिन उसका मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ठीक है? तो वह सोचने लगा कि सारे व्यक्ति वो को सारंगी मीठी कैसे लग रही है, किसी ने उसका तो स्वाद नहीं लिया, उसने भी स्वाद नहीं लिया, तो उसे मीठी कैसे लग रही है, वो ये सोचने लगा, ठीक है? यह सब झूठे हैं, वो फिर सोचने लगा, सारे व्यक्ति झूठे हैं, क्योंकि उसे स्वाद ही नहीं आया सारंगी का, कि सारंगी मीठी है या किस प्रकार की है। तो उसे लगने लगा कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा। फिर उसने क्या सोचा
कि अगर वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठेगा तो उसका मुंह मीठा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद वो जाकर सारंगी वाले के पास जाकर ही बैठ गया, ठीक है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, मतलब वो रात में ही आया था, रात में ही उसने बजाना शुरू किया, परंतु जब 3-4 बजे तब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, मतलब गांव के जो लोग थे उन्होंने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके सारंगी की आवाज़ इतनी मीठी है कि हम सब आनंद से खुश हो गए, बहुत ही मज़ा आया सुनकर, इसलिए आप 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। यानी सारे लोग उन्हें 2-4 दिन के लिए वहाँ रुकने के लिए कहने लगे। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। तो जो भोला था, भोला नाम का व्यक्ति, वो मन ही मन झुंझलाया, मतलब झुंझलाया यानी परेशान हो गया और सोचने लगा, यह लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया, ठीक है। तो फिर वो सोचने लगा कि सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, सारंगी ज़रूर मीठी है लेकिन उसे उसका स्वाद नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। फिर क्या हुआ, बहुत अधिक रात हो गई थी तो सारे लोग क्या हुआ, घर नहीं गए, वहीं पर चौपाल में सो गए, ठीक है। वो जो जहाँ पर वो सारंगी बजा रहा था, आप देख सकते हैं चित्र में पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर सारे व्यक्ति सो गए, ठीक है। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। फिर सारंगी वाले ने सारंगी के ऊपर उसकी खोल को चढ़ा दिया, मतलब उसका जो कवर था उसे लगा दिया और अपने सिरहाने यानी सिर के नीचे रखकर सारंगी को सो गया, ठीक है। पर भोला को चैन कहाँ, जब लोग नींद में खर्राटे लेने गए तब उसने चुपके से उठकर वो सारंगी उठा ली। जैसे ही सारे लोग सो गए, खर्राटे लेने लगे, तो भोला ने क्या किया, वहाँ से सारंगी को उठा लिया और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, और उसने क्या किया, सारंगी का खोल खोला और सारंगी को जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं, फिर उसे कुछ स्वाद नहीं लगा। आप देखिए पृष्ठ संख्या 58, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, फिर उसने सारंगी को हिलाना शुरू किया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। फिर क्या किया, उसने जो सारंगी में छेंदे थी उन्हें क्या किया, ऐसे ऊपर उठाकर जिस तरह से हम लोग पानी पीते हैं उस तरह से उसे उड़ेला, ठीक है। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। फिर वो सोचा कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, इसलिए वो बहुत झुंझलाया, ठीक है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसने क्या किया, सारंगी को ले जाकर गांव से बहुत दूर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया, और वो सोचने लगा कि सारे लोग बेवकूफ़ है, और वो वहाँ जाकर जहाँ वो सोया था फिर से वहीं जाकर सो गया। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। तो सवेरे मतलब जब सुबह हुआ तो सारंगी वाले को उसका सारंगी नहीं मिला, और सारे लोग भी परेशान हो गए कि सारंगी कहाँ है, सभी लोग दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। और लोग कहने लगे कि सारंगी तो बहुत मीठी थी, यानी उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती थी वो बहुत मीठा था, ठीक है। तो भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला,
फिर क्या हुआ, भोला उस बात को नहीं सुन सका। सभी लोग बोल रहे थे सारंगी तो बहुत मीठी थी, कहाँ चला गया। तो भोला उस बात को नहीं सुन पाया, मतलब सुन नहीं पा रहा था, क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया, गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। फिर वो गुस्से में आ गए और सारे लोगों से कहने लगा कि मैंने तो सारंगी को अपनी जीभ से चाटा था, उसमें तो कोई स्वाद नहीं था, आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बाबा जी की खुशामद यानी तारीफ कर रहे हो। ठीक है, लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गाँव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। फिर उसने, लोगों ने उसे पूछा, पर सारंगी कहाँ है, तो उसने क्या कहा, गांव के बाहर मैंने फेंक दिया। और सारे लोग भोला की बेवकूफ़ी पर क्या हुआ, सिर पीट लिए। ठीक है, सिर पीट लिए मतलब वो हाथ रखकर परेशान हो गए कि ये व्यक्ति कितना बेवकूफ़ है। ठीक है, तो आशा रखती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो बच्चों आज के लिए ही तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम लोग मीठी सारंगी पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।